नॉर्थ कैरोलिना की 8 वर्षीय प्रेरणादायक लड़की को बचपन में ही डिमेंशिया हो गया है, जिससे जीवन प्रत्याशा घटकर मात्र 15 रह गई है। बच्चा अब बोलने या हिलने डुलने में सक्षम नहीं है, लेकिन फिर भी वह दूसरों के लिए खुशी लाने की उम्मीद करती है। सैदी हेवुड को केवल 3 महीने की उम्र में सैनफिलिपो सिंड्रोम का पता चला था, जो उसे चलने या बात करने में असमर्थता और सीमित जीवन प्रत्याशा के साथ छोड़ दिया गया।